जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेलेंस CIS के YouTube प्लेटफॉर्म में। हम JPSC JSSC मैराथन सीरीज डे 10 तक पहुंच चुके हैं। आपको पता ही है, इस फॉर्मेट में हम 30 क्वेश्चंस झारखंड रिलेटेड यहां पे डिस्कस करते हैं, जिससे आपको अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पता चलता है और आपका रिविज़न होता है। तो आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन में मस्त होंगे। चलिए आइए देखते हैं आज के 30 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या है, ऑप्शन ए 3,29,88,134, ऑप्शन बी 2,69,45,829, ऑप्शन सी 3,19,44,147 और ऑप्शन डी 2,89,35,249। तो बताइए, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या हमको पता है, जो कि है ऑप्शन ए 3,29,88,134। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो बताइए, झारखंड राज्य की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत है? ऑप्शंस देखते हैं, ए 2.32%, ऑप्शन बी 2.52%, ऑप्शन सी 2.72%, ऑप्शन डी 2.92%। तो हमें पता है ये 2.72% है। ये बहुत बेसिक्स है, आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान। तो जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान, ऑप्शंस देखते हैं, ए 13वां, बी 14वां, ऑप्शन सी 15वां, ऑप्शन डी 16वां। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हम जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान है 14वां। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत है। राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत है, ऑप्शन देखते हैं, 47.12%, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 48.62%, ऑप्शन सी 49.22%, ऑप्शन डी 51.17%। तो बताइए, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो हमें पता है ये 48.68% है। याद रखिएगा, 48.68% महिलाओं का प्रतिशत झारखंड की कुल जनसंख्या में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए 50.12%, ऑप्शन बी 53.68%, ऑप्शन सी 52.22% एंड ऑप्शन डी 51.32%। तो बताइए, पुरुषों का प्रतिशत झारखंड की जनसंख्या में कितना है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हम जानते हैं 51.32%, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग -% है। तो ये अनुसूचित जाति का प्रतिशत पूछ रहा है, तो ऑप्शंस देखते हैं, ए 12%, बी 18%, या सी 26%, या डी 48%। तो बताइए, अनुसूचित जाति का प्रतिशत लगभग कितना है? तो हम जानते हैं कि ये 12% है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अनुसूचित जाति का प्रतिशत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत लगभग -% है। तो बताइए, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 12%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन सी 26%, या ऑप्शन डी 48%। तो बताइए, अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है हमारे राज्य की कुल जनसंख्या में? तो हमें इसका आंसर पता है, ये ऑप्शन सी 26%, ST प्रतिशत 26% है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों का लगभग प्रतिशत है, ऑप्शन देखते हैं, 12%, बी 19%, सी 25%, या डी 32%। तो बताइए, अल्पसंख्यकों का लगभग कितना प्रतिशत है राज्य की कुल जनसंख्या में? तो हम जानते हैं ये 19% है, याद रखिएगा 19%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, राज्य की कुल जनसंख्या में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग प्रतिशत है। तो राज्य की कुल जनसंख्या में
शून्य से छः आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत लगभग प्रतिशत है? ऑप्शन देखते हैं, ए 11%, बी 13%, ऑप्शन सी 16%, ऑप्शन डी 20%। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। हम जानते हैं ये 16% है, 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत 16% है, याद रखिएगा 16%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला? ऑप्शन है ए रांची, बी लातेहार, सी धनबाद, डी लोहरदगा। तो बताइए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हम जानते हैं ऑप्शन ए रांची। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? ए उरांव, बी संथाल, सी मुंडा या डी हो। तो हम जानते हैं कि किस जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को, ऑप्शन सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ होता है ए प्रमुख व्यक्ति, बी विशिष्ट व्यक्ति, सी गरीब व्यक्ति या डी अमीर व्यक्ति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ हम जानते हैं ये विशिष्ट व्यक्ति होता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, विशिष्ट व्यक्ति मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है ए धार्मिक प्रमुख, बी सामाजिक प्रमुख या सी राजनीतिक प्रमुख या डी ग्राम प्रमुख। तो मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ यहाँ पे पूछ रहा है, ए धार्मिक प्रमुख, सामाजिक प्रमुख, सी राजनीतिक प्रमुख या डी ग्राम प्रमुख। तो बताइए क्या होगा। विशिष्ट अर्थ मुंडा शब्द का है राजनीतिक प्रमुख, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो मुंडा शासन व्यवस्था में गाँव का प्रधान क्या कहलाता है? मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है? ऑप्शन देखते हैं, ए हाथुमुंडा, बी मुंडा, सी पुजार या डी मानकी। तो हम जानते हैं मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान क्या कहलाता है, तो ये मुंडा कहलाता है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो मुंडा गाँव के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 15 पूछ रहा है, मुंडा गाँव के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए यह पद वंशानुगत होता है, ऑप्शन बी इसका प्रमुख कार्य गांव के लोगों से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना होता है, ऑप्शन सी यह गांव के विवादों का निपटारा भी करता है या ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो थोड़ा सा सोचिए क्या होगा, मुंडा गांव के प्रधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो हम जानते हैं कि मुंडा का पद जो है वंशानुगत है, हाँ है, इसका प्रमुख कार्य गांव के लोगों से लगान वसूलना तथा गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना, हाँ ये भी है, यह गांव के विवादों का निपटारा भी करता है, जी करता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यह सभी कथन सत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है? ए माझियस भूमि, बी खेतिहर भूमि, सी फुटकट्टी भूमि या डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि मुंडाओं के द्वारा निर्मित खेत को क्या कहा जाता है, फूट कट्टी भूमि, ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह व्यक्ति जो फूट कट्टी भूमि को बनाता है उसे क्या कहा जाता है? ए जमींदार, बी भूस्वामी, सी फूट कट्टीदार या डी फूट स्वामी। तो बताइए क्या कहा जाता है, तो जो व्यक्ति फुटकट्टी भूमि को बनाता है उसे फुटकट्टीदार कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का क्या अर्थ होता है? मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए आम व्यक्ति, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी समाज या ऑप्शन डी खेत। तो मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ होता है परिवार, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, परिवार। तो खूंट का अर्थ क्या है, परिवार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? ऑप्शंस देखते हैं, ए दुर्जन, ऑप्शन बी फनी मुकुट राय, ऑप्शन सी छत्रसाल, ऑप्शन डी मेदनी राय। तो हम जानते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे, फनी मुकुट राय थे, ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को
दिए जाने वाले कर नजराना को क्या कहा जाता था? ए मालगुजारी, बी भूमि कर, या सी पेशकश कर, या डी जागीर कर। तो बताइए नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले नजराना को क्या कहा जाता था? तो हम जानते हैं ये मालगुजारी कहा जाता था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन देखते हैं, ए मुसहर, ऑप्शन बी भूईहर, ऑप्शन सी जागीरदार, या ऑप्शन डी करटाह। तो हम जानते हैं इसका भी आंसर कि मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था। तो मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? तो ये भूईहर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही होगा, भूईहर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था ए प्रथम शताब्दी में, बी चौथी शताब्दी में, या सी सातवीं शताब्दी में, या डी नौवीं शताब्दी में। तो हम जानते हैं नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था प्रथम शताब्दी में। ऑप्शन ए उस हिसाब से सही होना चाहिए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो निम्न में से किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है मांझी परगना शासन व्यवस्था के बाद, ऑप्शन बी कह रहा है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बाद, या सी कह रहा है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बाद, या ऑप्शन डी है मुंडा शासन व्यवस्था के बाद। तो इसका सही आंसर हम जानते हैं मुंडा शासन व्यवस्था है, ऑप्शन डी। पहले मुंडा शासन व्यवस्था था, उसके बाद से नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई। इसके द्वारा फणी मुकुट राय के द्वारा की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नागवंशी शासक फणी मुकुट राय ने निम्न में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? तो ऑप्शन देखते हैं, ए रातू, बी ओर मांझी, सी सुतियांबे, या डी नामपुर। माफ कीजिएगा, यहाँ सुतियांबे होना चाहिए था। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है रातू, बी ओर मांझी, सी सुतियांबे, या डी नामपुर। तो हम जानते हैं नागवंशी शासक जो कि फणी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो सुतियांबे में बनाई थी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता में कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्न में से किसे प्रदान की गई थी? नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्न में से किसे प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं, ए मानकी को, बी मुंडा को, सी महतो को, या डी मांझी को। तो बताइए किसे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कर वसूलने की? ऑप्शन से ए मानकी को, ऑप्शन बी मुंडा को, ऑप्शन सी महतो को, या ऑप्शन डी मांझी को। तो बताइए। तो हम जानते हैं कि नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी मानकी की हुआ करती थी। तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नियमित मालगुजारी न देने के कारण निम्न में से किस नागवंशी शासक को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया था? तो बताइए, ए फणी मुकुट राय को, ऑप्शन बी दुर्जन साल को, ऑप्शन सी एनी शाह को, या ऑप्शन डी मेदिनी राय को। तो हम जानते हैं किसे नागवंशी शासक किस नागवंशी शासक को मुगल द्वारा कैद कर लिया गया था? तो ऑप्शन बी दुर्जन साल को कैद कर लिया गया था नियमित मालगुजारी न देने के कारण। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्न में से किस मुगल शासक ने नियमित कर ना देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाने का आदेश दिया था? तो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि किसे बंदी बनाया था? दुर्जन साल को। अब दुर्जन साल को किसने बंदी बनाने का आदेश दिया था, किस मुगल शासक ने, इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो हम ऑप्शन देखते हैं, ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, या डी शाहजहां। तो बताइए किस मुगल शासक ने नियमित कर ना देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाने का आदेश दिया था? तो हम जानते हैं ये जहांगीर ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। तो 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गया?
क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िएगा कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गया। तो ऑप्शंस देखते हैं, ए मद्रास काउंसिल, बी कोलकाता काउंसिल, सी पटना काउंसिल या डी बॉम्बे काउंसिल। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। हम जानते हैं पटना काउंसिल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, पटना काउंसिल। 1765 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गया, तो ये उत्तरदायी हो गया था पटना काउंसिल के, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है। अब पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है, तो बताइए। ऑप्शन से ए खड़िया, बी हो, सी संथाल या डी उरांव। तो 29 का सही आंसर हम जानते हैं, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति से है, तो ये उरांव जनजाति से है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी उरांव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है। तो ये थर्टी नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप हमें ये कमेंट करके बताएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, आप एक बार हमारे कोर्सेज देख लीजिए, जेपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चल रहे हैं जिसमें पीटी और मेंस दोनों हैं, जेपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, जेपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज चल रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल की क्लासेस भी चल रही हैं। तो हमसे आप फ़ोन से कांटेक्ट करके, हमारा ये फ़ोन नंबर है, जुड़ सकते हैं, हमें हमारा डिटेल्स ले सकते हैं और हमारे साथ इसी तरह बने रहें और जुड़े रहिए नेक्स्ट सेशन के लिए। तो थैंक यू।